हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकादशी या व्रत स्पेशल थाली की रेसिपी। बहुत फटाफट ये थाली भी बन जाती है और व्रत या ऐसे भी आप इसको सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पर मैंने बनाया आलू की सब्जी, ये भी व्रत वाली ही आलू की सब्जी है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने सामक बनाई है और थोड़ा सा मैंने बनाया है आलू का हलवा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आलू की जगह आप राजगिरे का हलवा भी बना सकते हो। इसी के साथ थोड़ी सी मैंने खीर बनाई है और इसी के साथ मैंने थोड़े से मूंगफली के दानों को सेक के रखा है और इसी के साथ हम लोग ने राजगिरे की पूड़ी बनाई है आलू को आलू के साथ में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ सामक या मोरयू, जो भी आप लोग बोलते हैं वो। इसको मैं 1/4 कप, जितना आपको क्वांटिटी जितने लोगों के लिए बनाना है उस हिसाब से आप बना लीजिए। तो बस 2 कप में मैंने अलग अलग इसको भिगो कर रखा। एक से हम लोग पुलाव बनाएंगे और एक से हम लोग खीर बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने आलू भी बॉईल करके रख लिया है, तो इसका हम लोग हलवा बनाएंगे और थोड़ी सी हम लोग आलू की सब्जी जो बनाएंगे उसके लिए भी यूज़ कर लेंगे। तो फटाफट से इनको ठंडा करके हम लोग अच्छे से छील लेंगे और आलू का हलवा जो बनाएंगे उसके लिए मैश कर लेंगे आलू को। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबसे पहले खीर। तो यहाँ पर मैंने दूध को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके अंदर जब ये दूध एक बार पहले से गर्म किया हुआ है, ये कच्चा दूध नहीं है, इसको मैंने पहले गर्म करके ठंडा कर लिया था। उसके अंदर मैंने डाला है हमारे समा के जो चावल होते हैं वो, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट का जो मसाला होता है केसर इलायची इन सब का, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और बस कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। आप चाहो तो दूध को पहले गाढ़ा करके उसके बाद में आप समा के चावल ऐड करके भी खीर बना सकते हो। सबका तरीका अपना अलग अलग होता है। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो यहाँ पर ये एकदम अच्छे से बॉईल आ गया है और जो समा के चावल है वो भी एकदम अच्छे से थिक हो गए हैं क्योंकि पहले से मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक भिगो कर रख दिया था। आप चाहो तो और ज़्यादा देर भी भिगो कर रख सकते हो। और अगर इंस्टेंट भी बनाना है तो धोकर आप तुरंत भी अगर इसके अंदर डालते हो तो चल जाता है। तो यहाँ पर एकदम अच्छे से जब बन गया तब मैंने इसके अंदर डाली है चीनी। तो मैंने 4 चम्मच चीनी यहाँ पर यूज़ की है। टेस्ट मीठा आपको जैसे पसंद हो उस हिसाब से आप इसके अंदर चीनी ऐड करिए और अच्छे से इसको एक बार हम लोग को मिक्स कर लेना है। और खीर जितनी आपको गाढ़ी चाहिए आप उस हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो थोड़ा सा गर्म दूध और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही एकदम जब अच्छे से बन गया है तो मैंने चीनी डालने के बाद 2 से 3 इसको अच्छे उबाल ले लिए और उसके बाद में इसको हम लोग एकदम ठंडा कर लेंगे। और गर्म दूध के अंदर भी आप चाहो तो मैं थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट जो मसाला है वो मैं इसके अंदर दूध का मसाला जो पाउडर है वो और ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है इतना तो आप स्किप कर सकते हैं। बस इसको एकदम अच्छे से हम लोग ठंडा कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसको फ्रिज में सेट होने रख देंगे। आपको ठंडा या गर्म जैसा पसंद हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर सबको ठंडा पसंद है तो मैंने इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। अगर आपको लगे कि गाढ़ा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा आप दूध डालकर और सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर एकदम रेडी हो गया। तो बस इसको ठंडा कर लेंगे और फिर उसके बाद में ठंडा ठंडा इसको सर्व करेंगे। तब तक हम लोग यहाँ पर बना लेंगे आलू की सब्जी। तो बस घी के अंदर मैंने डाला है जीरा, इसी के साथ कद्दूकस करके लिया है मैंने टमाटर और इसी के साथ यहाँ पर हम लोग लेंगे हरी मिर्ची। तो स्पाइसी जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड करिए इसके अंदर। और अब डाल रहे हैं इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक और अच्छे से मिक्स कर लेना है। एकदम से चटपटी सी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है इसी के साथ। तो यहाँ पर अच्छे से हम लोग हमारे जो मसाले हैं वो इनको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सिंगदाना यानी मूंगफली। इसको मैंने थोड़ा सा पहले रोस्ट किया हुआ है और उसका छिलका मैंने निकाल लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। और फिर डालेंगे इसके अंदर बॉइल आलू और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए या सूखी चाहिए वो उस हिसाब से आप बना लीजिए। मैं एक बार थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूंगी और फिर उसके बाद में इसको एकदम ड्राई कर लेंगे। पानी डालने से एकदम अच्छे से मसाले आलू के अंदर अच्छे से सेट हो जाएंगे। बस तब तक इसको हमें पका लेना है क्योंकि आलू हमारे पहले से ही बॉइल है। तो बस एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसके अंदर जब तक उबाल नहीं आ जाता है तब तक इसको हमें अच्छे से चला लेना है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ भुना जीरा जो होता है वो डाल रही है इसके अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है, जो सब्जी की ग्रेवी है वो एकदम पतली है। तो यहाँ पर हम लोग आलू को अच्छे से दबाकर मैश कर लेंगे। तो जब वो ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब ग्रेवी हमारी अच्छे से थिक हो जाएगी।
तो यहाँ पर एकदम अच्छे से हमारी ग्रेवी है वो थिक हो गई है, तो यहाँ पर सब्जी भी रेडी हो गई है। लास्ट में मैंने इसके अंदर नींबू का रस यूज किया था। और अब बनाएंगे हलवा, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घी, और फिर उसके बाद में जब घी अच्छे से एकदम मेल्ट हो जाएगा तब इसके अंदर डालेंगे हमारे बॉईल आलू। तो आप चाहो तो आलू को कद्दूकस करके भी, बॉईल आलू को कद्दूकस करके भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो बस हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है और उसको घी के साथ एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसको, तब जब बहुत अच्छे से हमारा हलवा भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। और कुछ कुछ पार्ट अगर आपको लग रहे हैं कि इसके अंदर पीसेस रह रहे हैं तो बस चम्मच से उसको तोड़ लेना है और अच्छे से इसको हम लोग को चलाते रहना है जब तक कि इसके अंदर से एक अच्छे से हलवे की अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती है और कढ़ाई नहीं छोड़ देता हलवा, तब तक इसको कंटिन्यू चला लेंगे। और फिर जब ये हलवा अच्छे से रेडी हो जाएगा तब इसके अंदर डालेंगे हम लोग चीनी, तो जितना मीठा आपको पसंद हो उस हिसाब से डालिए। इसी के साथ यहाँ पर आपको अगर डालना है तो इलायची पाउडर डाल सकते हो, और भी अगर आपको कोई पाउडर डालना है जायत्री या जायफल का तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, आप दरदरा कूट कर भी पाउडर डाल सकते हो। तो यहाँ हलवा भी रेडी हो गया है और अब बनाएंगे हम लोग समा के चावल। तो यहाँ पर मैंने कुकर के अंदर ही बनाना है, तो कुकर के अंदर मैंने घी ले लिया, इसी के साथ जीरा ऐड करेंगे, और जीरा जब थोड़ा सा भून जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे काजू और मूंगफली के दाने। तो मेरे पास रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने थे वो लिए, आप चाहो तो कच्चे भी ले सकते हो। इसी के साथ थोड़ा सा करी लीव्स ऐड किया है मैंने और अच्छे से इसको एक बार हम लोग मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसको आप नॉर्मल में भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये, एकदम खिला खिला बनकर तैयार हो जाता है। तो काजू का एकदम अच्छे से कलर चेंज हो गया है, तो अब डालेंगे इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची, और फिर इसी के साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आलू। तो ये मेरे बॉयल आलू नहीं है, कच्चे आलू ही लिए मैंने, और अच्छे से इसको एक बार हम लोग को मिक्स कर लेना है। अगर यहाँ आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं तो थोड़ा सा पहले पानी ऐड कर सकते हैं। और अब डालेंगे इसके अंदर हम लोग टेस्ट के हिसाब से नमक, और इसी के साथ नमक डालते ही इसको हम लोग मिक्स करेंगे। और उससे पहले डालेंगे हम लोग इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर, तो हरी मिर्ची भी ऐड की है तो उसी हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर डालिए। और हमने समा के चावल को भिगो कर रखा था तो बस वही इसके अंदर डाल देना है। और इसका हमने अगर एक कप समा के चावल लिए हैं तो इसकी जगह पर हम लोग को 3 कप पानी ऐड करना है। आप कम भी ऐड कर सकते हो, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, जिस हिसाब से आप घर में आपके रोज बनता है उस हिसाब से आप बनाइए। तो मैंने यहाँ पर 3 गुना इसका पानी लिया है, और अच्छे से इसको बॉईल आने के बाद में कवर करके 1 सीटी लगा लेनी है, फिर से चेक कर लेना। अगर आपको लगे कि नहीं है अच्छे से बने हैं तो फिर से थोड़ा सा इसको और गर्म कर 1 सीटी और लगा सकते हो। तो यहाँ पर एकदम अच्छे से इसके अंदर उबाल आ गया है, तो बस इसको मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद में कुकर में 1 सीटी लगाएंगे। और जब तक ये हमारी कुकर में से सीटी लगती है तब तक हम लोग हमारे राजगिरा का जो आलू का पराठा है वो रेडी कर लेते हैं। तो बस राजगिरा का आटा लेना है और उसी के अंदर हम डालेंगे बॉयल आलू। और आलू मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। आलू डालने से जो पराठा है वो एकदम सॉफ्ट बनता है, बस इसीलिए इसको ऐड कर रही हूँ। और अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहो तो इसको और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो, जो आप व्रत के अंदर खाते हो वो वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हो। बस अच्छे से इसको एक बार हम लोग को मिक्स कर लेना है कि आलू के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे, बस उस हिसाब से मिक्स करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम लोग को आटा लगा लेना है, बहुत सारा पानी एक साथ में नहीं डालना है क्योंकि बहुत ही जल्दी से ये जो हमारा ये राजगिरा का आटा है वो एकदम अच्छे जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। तो बस एकदम टाइट टाइट आटा लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी आपको जैसे ज़रूरत लगे उस हिसाब से आप आटा लगा लीजिए। बस थोड़ा सा घी लगाकर मैंने अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लिया है, और बस जो नॉर्मल हम लोग पूड़ी बनाते हैं वो पूड़ी बना लीजिए, साइज़ में छोटी बड़ी जैसे आपके घर में पसंद करते हैं उस हिसाब से बनाइए। बस थोड़ी सी इसको थिक रखनी है, थिक रखेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। और बस मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पराठे के जैसे इसको हम लोग को सेक लेना है। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, सेलो फ्राई भी कर सकते हो, तो जैसा आपको पसंद हो। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पराठा बना लिया है, थोड़ा थिक बनाया है मैंने पराठे को, और बाद में मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया था थोड़ा छोटा छोटा बनाने के लिए। आप चाहो तो पहले से भी छोटा बनाकर रख सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा जो पराठा है वो एकदम अच्छे से रेडी हो गया है, बस इसको आपको जैसे कट करना है वैसे कर लीजिएगा। और अब इसको यहाँ पर मैंने साइड में तवा गर्म होने के लिए भी रख दिया था, तो बस तवा गर्म होते ही उसके ऊपर मैंने यहाँ पर पराठा डाल दिया है, और अच्छे से इसको भी हम लोग घी से अच्छे से दोनों साइड से इसको हम लोग सेक लेंगे।
बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये पराठा, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। जरूरी नहीं है कि आप व्रत में ही ये सारी रेसिपी को ट्राई करो, ऐसे भी अगर आप खाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो बस दोनों साइड से अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन हम लोग को सेक लेना है और फिर उसके बाद में फटाफट से इसको हम लोग कर लेंगे सर। तो यहाँ पर ये एकदम अच्छे से हमारा सिक गया, तो बस दूसरा भी इसी हिसाब से हम लोग सेक लेंगे। आप शेप आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से, छोटा बड़ा जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप इसके अंदर शेप, उस शेप में इसको बना सकते हो। तो बस उसको भी मैं दोनों साइड से एकदम अच्छे से सेक लूंगी घी के अंदर। तो यहाँ ये रेडी हो गया, फटाफट से हम हमारी थाली रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एकदम फटाफट से तैयार है बहुत ही टेस्टी सा व्रत स्पेशल, मैंने आपके साथ थाली की रेसिपी शेयर करी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये बताई हुई रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, फैमिली फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना, और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग कौन कौन सी रेसिपी आपके घर में व्रत के टाइम पे बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो फिर मिलेंगे इसी हिसाब से नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।